हस्बैंड और वाइफ वैकेशन में जाने के लिए शिप में बैठते हैं, पर इस शिप में ही वाइफ किडनैप हो जाती है। आज की मूवी ट्रैफिकर 2012 की कोरियन थ्रिलर मूवी है। ये मूवी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बेस्ड है। ये मूवी आपको फर्स्टली स्लो लग सकती है, पर इसमें जो ट्विस्ट आता है ये अनइमेजिनेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और मैं शिप पर एक खून से लथपथ हुआ आदमी डेक की तरफ जाता हुआ दिखता है। ये डेक पर आता है तो सब लोग उससे डर जाते हैं। ये नेकेड भी होता है। इसके पीछे कुछ लोग भागते हैं, ये उसे रोकना चाहते हैं। ये जो लोग इसके पीछे हैं ये एक्चुअल में इसकी ऑर्गन सेल करने वाले हैं। इनसे भागकर वो डेक तक आता है और डेक पर पुलिस वगैरह सब कुछ होते हैं। अब इन आदमियों का जो सब ऑपरेशन है इस सब को एक्सपोज कर सकता है। जिन्होंने इसे किडनैप किया था उसमें से एक आदमी इसे धक्का देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है। इनका पूरा ऑपरेशन सही से चलना चाहिए इसलिए अपनी कुर्बानी वो दे देता है। यहाँ किडनैप करने वालों में हमारा एक मेन कैरेक्टर भी था, इसका नाम होता है यंग। क्रेडिट्स रोलते हैं और हमारी मूवी अब 3 साल बाद स्टार्ट होती है। एयरपोर्ट की सब चीजें हमें दिखाई जाती है, कस्टम्स वगैरह ये सब हम देखते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि यंग, इसे एक लड़की से प्यार होता है। ये इस एयरपोर्ट के काउंटर पर काम करती है। यंग इसके पास जाता है और उससे कॉफी ऑफर करता है, पर इसे कुछ भी भाव नहीं देती। इस लड़की का नाम यूरी होता है। यूरी को अचानक से एक मैसेज मिलता है और अपना काम छोड़कर वहां से भाग जाती है। ये डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इसके फादर को ट्रांसप्लांट की जरूरत है। यूरी के फादर का ट्रांसप्लांट होने वाला था, पर अब हॉस्पिटल स्टाफ यूरी को कह रहे हैं कि ये हो नहीं पाएगा। यूरी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी अभी तो आपने कहा था कि हो सकता है। यूरी डॉक्टर से पूछती है पर डॉक्टर भी उसे इग्नोर कर देते हैं। यूरी के फादर की और एक कंडीशन होती है जिसके बारे में यूरी ने हॉस्पिटल को बताया नहीं होता, तो स्टाफ इसे कहता है कि इसी वजह से अब ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि यंग के ऑफिस में एक औरत आई हुई होती है। यंग इलीगल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ये औरत इसके लिए काम करती है। यंग के आदमियों से पैसों के लिए झगड़ रही होती है। यंग जब वहां पहुंचता है तो इसे मारने लग जाता है। वो कहता है कि जब तुम मेरे लिए काम करी होगी तो सिर्फ मेरे लिए ही काम करो। यंग पहचान गया होता है कि इसने और भी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की थी। यंग ने इसे एयरपोर्ट पर देख लिया था और इसके पास और भी कुछ चीजें थी। इस औरत के पेट में इसने कुछ निगल लिया था, ये भी उसे निकालने के लिए कहता है। यूरी को अपने फादर के लिए ट्रांसप्लांट करवाना ही है, पर अब इसके पास ज्यादा पैसे भी बाकी नहीं है। ये प्राइवेट चाइना में जाकर ये कर सकती है, पर ये हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें यंग उसके बॉस के साथ दिखाया गया है। उसका बॉस जो है इसे और एक काम देना चाहता है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही काम है, पर यंग इसे करने के लिए रेडी नहीं है। वो फिर से ये काम नहीं करना चाहता। ये इलीगल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो इसमें कोई हर्ट नहीं होता। बॉस कहता है कि पिछली बार तुम सही से काम नहीं कर पाए थे, इसी वजह से मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ था, ये तुम्हें पे करना है। यंग मानता नहीं और वहां से चला जाता है। यंग का इम्पोर्ट किया हुआ सब सामान उसका आदमी लेकर जा रहा होता है, पर पुलिस इसे पकड़ लेते हैं। यंग के बॉस ने ही ये करवाया होता है क्योंकि वो उसके लिए काम करे। अब हमें एक इंश्योरेंस एजेंट दिखाया जाता है, ये भी हमारा एक मेन कैरेक्टर है। इसका नाम होता है संघो। उसका वर्क कम्प्लीट करने के बाद अपनी बीवी चीही के पास वो आता है। चीही और संघो अब वैकेशन के लिए चाइना जाना चाहते हैं। चीही एक आर्टिस्ट होती है और बहुत ही एक्साइटेड होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी अलग अलग बैंक में जा रही है और पैसों का इंतजाम करना चाहती है, पर उसे कहीं भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। एक बैंक के बाहर यंग उसे मिलता है। यंग उसे बातचीत करना चाहता है पर ये इंटरेस्टेड नहीं होती। यंग अब चिढ़ जाता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं रिटायर्डेड हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, जब तुमसे बात कर रहा होता हूँ, तभी ऐसा बर्ताव करता हूँ। मैं इसे जनरली बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, पर तुम्हारे सामने सब गड़बड़ हो जाती है। यंग फिर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। यंग को जब पता चलता है कि उसका सब सामान पकड़ा जा चुका है तो अपने बॉस के पास हो जाता है। इसे बहुत मारता है। बॉस कहते हैं कि फिर मैं क्या करता, तुम मेरा काम कर ही नहीं रहे थे। यंग अभी भी नहीं मानने वाला तो बॉस कहता है कि तुम यूरी के लिए करो, उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अब यूरी के लिए ये काम करने के लिए यंग रेडी हो जाता है। ये हमेशा ट्रैफिकिंग शिप पर ही करते हैं, तो इस शिप पर कस्टम वालों को, शिप के स्टाफ को, इन सबको यंग जाकर पैसे देकर आता है। इसके बाद हमें दिखता है कि यंग एक डॉक्टर के पास आया हुआ है। ये डॉक्टर इन्हें ट्रैफिकिंग में हेल्प करता है। लोगों के ऑर्गन निकालने वाला यही होता है। यंग जाकर इसे भी पैसे देकर आता है। इसके बाद हम देखते हैं ये सब शिप में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यंग अपने दो आदमी और डॉक्टर के साथ शिप में चढ़ जाता है। यहाँ में संघो और चेही ये दोनों हैप्पीली शिप में जा रहे हैं। ये वैकेशन के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। इसके बाद हमें यंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यंग ने पहली बार ये काम किया था, ये भी यूरी के लिए ही किया था। उसे अपने फादर के लिए पैसे चाहिए थे तो यूरी ने उसके बॉस से पैसे लिए थे। यंग ने यूरी को हेल्प करने के लिए ही पिछला काम लिया था। इस शिप पर यूरी और उसके फादर भी होते हैं। यूरी को यंग के बॉस ने अब पैसे दे दिए हैं, तो अब उसके फादर को लेकर वो शिप में जा रही होती है। ये सब चाइना जा रहे हैं। चीही को उसका रूम बहुत पसंद आता है। रात में हम देखते हैं कि चीही डेक पर आती है, वहाँ यूरी भी खड़ी हुई होती है।
ये दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाती है। वो किसके साथ आई है एक दूसरे को बताती है। जीही के हेयर्स हवा से बहुत ही उड़ रहे होते हैं, तो यूरी उसका हेयर बैंड उसे देती है। यंग आदमी डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि ज्यादा कुछ पीना मत, पिछली बार डॉक्टर पी रहा था इसी वजह से गड़बड़ हुई थी। इस शिप पर यंग और यूरी एक दूसरे से मिलते हैं, तो यूरी उसे सॉरी कहती है। यंग अभी भी उसे नाराज है तो इसे इग्नोर करता है। जी फिर से अपने रूम में जाती है। ये संगो के साथ होती है तो संगो कहता है मुझे बहुत ही भूख लगी है, हमारे लिए जाकर कुछ लेकर आता हूँ। जब ये बाहर जाता है तभी हम देखते हैं कि यंग और उसकी सब टीम जी को किडनैप कर कर लेकर जाते हैं। वो उसे बेहोश कर कर पाथ में लेकर आते हैं। ये बहुत ही बड़ा रूम होता है जहाँ पर वो अपना काम कर सकते हैं। संगो बहुत ही डर जाता है, सब जगह ढूंढने लग जाता है। शिप के कैप्टन के पास जाता है, उन्हें कहता है कि सब अनाउंसमेंट कर दो, मैं मेरी वाइफ को ढूंढना चाहता हूँ। कैप्टन कहता है कि सब लोग अब सोए हुए हैं, या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, अगर मैंने अनाउंसमेंट की तो सब जग जाएंगे, उसका मान नहीं रहे होते। संगो यूरी को बाहर ही खड़ा हुआ देखता है, उसे पूछता है क्या तुमने व्हील चेयर में किसी लड़की को देखा है। यूरी तो चीही से मिली ही थी तो अब इसे हेल्प करने लग जाती है। अब बाथरूम में यंग चीही के सब ऑर्गन निकालने वाला है। यंग जब चीही को देखता है तो वो उसे पहचान जाता है। अब इसे फ्लैशबैक में याद आता है कि 3 साल पहले जो आदमी मरा था ये इसकी सिस्टर है। यंग बाथरूम से बाहर निकलता है, आसपास कोई है तो नहीं जो इन पर नजर रख पाए, इसके सब वो ध्यान रख रहा होता है। ये ऊपर चढ़कर जाता है तभी इसे मालूम होता है कि संगो और यूरी ये दोनों चीही को ढूंढ रहे हैं। यंग अब सावधान हो जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए रेडी होता है पर तभी चीही कॉन्शियस में आ जाती है, वो चिल्लाने लग जाती है। ये चीखे संगो और यूरी सुन लेती है, ये चीखों को फॉलो करने लग जाते हैं। यंग इन्हें रोकने के लिए बीच में ही टकरा जाता है। ये जल्दी से जाना चाहते हैं पर इन्हें वो रोकता है। यूरी से कहता है कि तुम तो किसी आदमी को डेट नहीं कर रही थी, अब ये कौन है। यूरी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। संगो कहता है क्या तुमने व्हीलचेयर में किसी को देखा है। ये कहता है कि नहीं, मैंने एक अड़ियल सी लड़की को देखा है। यूरी को अभी भी वो ताना मार रहा होता है। संगो और यूरी बाथरूम से आवाज आ रही है ये फिगर आउट करते हैं। ये आगे जाते हैं पर ये डोर लॉक्ड होता है। डॉक्टर और यंग के आदमी को पता चल जाता है कि कोई तो यहाँ है। वो जल्दी से चीही को उठाते हैं और वहाँ छिप जाते हैं। यंग संगो को रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, वो कहता है कि लगेज रूम से आवाज आ रही थी पर ये रुकते नहीं। संगो जब बाथरूम में घुस रहा होता है तो यंग का आदमी नेकेड होकर बाहर आता है। ये कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। ये आदमी कहता है कि मैं तो नहा रहा था। संगो कहता है कि क्या तुमने व्हीलचेयर में किसी को देखा है। ये आदमी कहता है कि ये मेन्स बाथरूम है, यहाँ कैसे हो सकती है। संगो फिर भी अंदर जाकर देखना चाहता है। वो अंदर जाता है पर सब लोग छिपे हुए होते हैं, ये किसी को भी ढूंढ नहीं पाता। संगो अब लगेज रूम में जाना चाहता है पर स्टाफ अब उसे कॉपरेट नहीं कर रहा, उसे इसके परमिशन नहीं देता। संगो बहुत ही चिढ़ जाता है पर इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता। यूरी की फादर की तबीयत जरा खराब हो जाती है तो उसे कॉल आ जाता है। संगो को छोड़कर वो चली जाती है। संगो को अभी भी लग रहा होता है कि बाथरूम में कुछ गड़बड़ हो रही थी। जब वो वहां जा रहा होता है तो यंग का आदमी एक बड़ी सी चीज लेता है, इसके सर पर मारता है और इसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चीही का ऑपरेशन हो चुका है और चीही की बॉडी वो एक बैग में डाल रहे है। जब सुबह होती है तो संगो अपने रूम में उठता है, फिर से सब लोगों से वो इंक्वायरी करने लग जाता है पर कोई उसे कहीं भी नहीं मिलता। अब वे चाइना में पहुंच चुके हैं। यंगो फिर से यूरी से मिलता है। यूरी को कहता है कि प्लीज मेरे साथ पुलिस स्टेशन में आओ, तुम विटनेस थी तो तुम गवाही दे सकती हो। यूरी को अपने फादर का ऑपरेशन करवाना है, उसके पास टाइम नहीं है, तो वहां से वो चली जाती है। संगो बहुत ही रोता है। अब हम देखते हैं कि सब लोग शिप के कस्टम्स में आ चुके हैं। यहाँ पर एक औरत के पास इन सब लोगों ने ऑर्गन्स दे दिए है। इन्हें एक लॉकर में गाड़ी की चाबी भी मिल जाती है जिससे वो यहाँ वहाँ जा सकते हैं। इनके पास पैसों का एक बड़ा सा बैग होता है जो चाइना को ऑफिसर को देना चाहते हैं। ये बाहर जाते हैं, जिस गाड़ी को उन्होंने असाइन किया होता है इसके डिक्की में वैसे रख आते हैं। ये औरत जब कस्टम्स में पहुंचती है तब उसके पास ऑर्गन्स होते हैं, ये पकड़ी जा सकती है पर जो ऑफिसर होता है इसे चेक ही नहीं करता। इस ऑफिसर को पहले ही कॉल आ चुका होता है कि पैसे सब मिल चुके हैं। अब ये सब सक्सेसफुली वहां से निकल जाते हैं। संगो पुलिस स्टेशन जाता है और इसकी कंप्लेंट करना चाहता है। सब रिकॉर्ड जब निकाले जाते हैं तो संगो अकेला ही आया था, यही रिकॉर्ड होता है। संगो का कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा होता। इसके बाद हमें फिर से 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यंग के फ्रेंड ने यंग को बचाने के लिए अपने आप की कुर्बानी दे दी थी, उसकी एक सिस्टर भी थी, यही चीही है। यंग का फ्रेंड मर गया तो उसके बाद फ्यूनरल पर चीही को सब पैसे यंग जाकर देकर आया था। फिर से हम प्रेजेंट देखते है और यंग टैक्सी में होता है। टैक्सी में उसे गैंग का एक आदमी लेने के लिए आया हुआ होता है। इस आदमी को कॉल आता है, उसे कहा जाता है यंग को अब उसे मार देना है। यंग को भी शक चला जाता है। डॉक्टर उसकी यहाँ एक गर्लफ्रेंड होती है तो उसके साथ चला जाता है। यंग और उसका ड्राइवर जब आगे जाते हैं तो वे गलत रास्ता ले रहा होता है। यंग जब इसे पूछता है तो कुछ बोल नहीं रहा होता, तब यंग इसे मारने लग जाता है। यंग इसे मार कर गाड़ी से बाहर फेंक देता है और खुद गाड़ी चलाने लग जाता है। इसके पीछे सब गुंडे लग जाते हैं। यंग वहां से जल्दी से भाग जाता है।
यंग के दो आदमी हमें रिवर के पास देखते हैं। इसमें से एक बहुत ही भोला होता है। इसमें से एक का नाम होता है यून। यून से कहता है कि जाकर टिकट बाय कर कर आओ। ये भोला टिकट बाय कर कर आता है, पर इसे एक ही मिला होता है। जून कहता है कि एक ही इनफ है। यहाँ पर अर्जुन इस भोले का मर्डर कर देता है और इसकी बॉडी रिवर में डाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास चीही की बॉडी है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर पर आया हुआ है। जब दोनों इंटीमेट होते हैं तब चीही बॉडी बैग से बाहर निकल जाती है। वो अभी भी जिंदा होती है। ये कॉल लगाना चाहती है पर डॉक्टर इसे स्पॉट कर लेता है और उसका कॉल बंद कर देता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा लक अच्छा है। यंग बुरी चीजें करता है पर वो दिल का साफ है। एक्चुअल में यंग को ये काम नहीं करना होता तो डॉक्टर से मिलकर चीही को बचाने का प्लान उन्होंने किया होता है। वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि चीही मर चुकी है, पर चीही को अब वो बचाने वाले होते हैं। हमने अभी अभी देखा कि जून ने उसके फ्रेंड का मर्डर कर दिया है। यंग के बॉस ने जून को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि अगर यंग ने उसे डबल क्रॉस किया तो सब लोगों को वो मार दे। यही काम अब जून कर रहा है। डॉक्टर के घर का पता भी उसे मालूम है तो वो घर में आ जाता है। डॉक्टर और उसकी फाइट होती है और ये डॉक्टर को मार डालता है। चीही को उठाकर अब वो हॉस्पिटल में लेकर जाता है। एक बड़े से हॉस्पिटल में ही ये सब काम चलता है। अब इस सब ऑपरेशन के बॉस से मिलने के लिए आता है। उसे जाकर वो मार देगा इसका प्लान होता है। ये फेक ऑर्गन्स की बैग लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसे अंदर आने देते हैं। आगे चलकर वो ऑपरेशन थिएटर में देखता है तो वहाँ चीही होती है। चीही को अब मार दिया गया है और उसके सब ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं। पीछे से हमें संघो आता हुआ दिखता है। यंग ने संघो को एक नोट दी थी जिसमें लिखा हुआ था कि चीही अभी भी जिंदा है। डॉक्टर के घर का पता उसने दिया था। संघो ही चीही को मारकर उसके ऑर्गन्स निकालना चाहता था। संघो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है तब सब लोगों के उसके पास डिटेल्स होते हैं। इसके अच्छे कॉन्टेक्ट भी होते हैं जिससे ऑर्गन्स निकाल कर एक अच्छे प्राइस पर बेच सकता है। यंग सरप्राइज होता है कि संघो ही ये सब कर रहा था। संघो कहता है कि तुम तो बहुत ही सेंसिटिव निकले। यंग कहता है क्या तुम अपने आप को ह्यूमन समझ सकते हो? संगो कहता है कि हम दोनों ज्यादा अलग अलग नहीं। तुम पैसों के लिए चीजें बेचते हो तो मैं ऑर्गन बेचता हूँ। यंग कहता है कि मैं उसे बचाना चाहता था। संगो कहता है यूरी को छोड़कर तुम उसे क्यों बचा रहे थे? यानी कि यूरी के फादर का ट्रांसप्लांट होने वाला था पर वो करते ही नहीं। यूरी के फादर के भी ऑर्गन्स वो निकाल लेते हैं और उन्हें मार डालते हैं। अब यंग इसे मारने लग जाता है पर वहां जून आ जाता है। जून और यंग की इन दोनों की बहुत फाइट होती है। यंग जून पर भारी पड़ता है और उसे एक चांस देता है कि वो वहां से चला जाए, पर जून मानता नहीं। जून फिर से यंग को मारने के लिए आता है तो यंग उसे अंधा कर देता है। संघ के पीछे पीछे यंग पार्किंग में आ जाता है। संघ गाड़ी में होता है तो यंग उसके गाड़ी से चिटक जाता है। संघ का एक्सीडेंट होता है और वो भागने लग जाता है। यंग भी उसके पीछे पीछे मार्केट में भागता है। यंग पूछता है यह सब तुमने क्यों किया? संघो कहता है कि पैसे, अगर दुनिया में तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम अलग अलग जगह पर जा सकते हो। तुम्हारे पास पावर होती है, इतनी पावर तुम्हें किसी से भी नहीं मिल सकती। यंग संघो को बहुत मारता है पर यहाँ पुलिस आ जाते हैं। यंग को रोक लेते हैं। हमें अल्टरनेट सीन में दिखाया जाता है यूरी के फादर मर गए हैं। उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो खुदकुशी कर लेती है। संघो को ये मालूम होता है और वो यंग को बता देता है। यंग अब बहुत ही चिढ़ जाता है, पुलिस की गन लेता है और संघो को बहुत सारी गोलियां चलाता है। अब हमें न्यूज दिखाई जाती है, हमें पता चलता है ये सब ट्रैफिकिंग चल रही थी, इसमें सब लोगों को यंग पकड़वा देता है। यंग के बॉस वगैरह सब कुछ पकड़े जाते हैं। संघो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था तो उसके बाद बहुत सारे डिटेल्स थे। किसी को रेयर ब्लड टाइप का ऑर्गन चाहिए होगा तो वो देता था। एक ही आदमी से इसे बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे। ये इन पैसों से बहुत साल तक मजे कर सकता था। इसने चीही का रिकॉर्ड देखा था और उसे टारगेट किया था। चीही व्हीलचेयर में थी क्योंकि संघो ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था। उसके बाद संघो उसे मिला और उसे वो प्यार करता है, इसका उसने प्रिटेंड किया। इसे शादी भी कर ली और शिप पर लेकर आया। इसके बाद चीही जब गायब हो चुकी थी तो वो उसे ढूंढ रहा है, इसका सिर्फ वो प्रिटेंड कर रहा था। वो प्रिटेंड कर रहा था क्योंकि अगर उसकी वाइफ ऐसे ही गायब हो गई तो सब लोग उससे क्वेश्चन पूछेंगे। इसे बताने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए कि इसने एफर्ट किए थे उसे ढूंढने के लिए पर वो कर नहीं पाया। चीही गायब हो गई है ये रिपोर्ट करवाने के लिए वो पुलिस के पास गया था। उसने पहले ही सब रिकॉर्ड्स मिटा दिए थे पर ये सिर्फ वो कन्फर्म करना चाहता था। अब पुलिस को यह सब पता चल जाता है और इनका स्कैंडल खत्म हो जाता है। इसके बाद क्रेडिट्स रोलते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी में संघों के लिए जो काम करती थी वो आई हुई है। ये वहां से रिकॉर्ड्स निकालती है और एक बड़े अमीर आदमी के पास आती है। ये एक्चुअल में इस सब ऑपरेशन का बॉस है और ये अभी भी इंटैक्ट है। इसके पास हमें एक आदमी दिखता है कि जिसका पैर टूट गया है, ये संघो ही होता है। संघो अभी भी जिंदा है। यही मूवी एंड हो जाती है। यंग ने बहुत ट्राई किया कि संघो और इस ऑपरेशन को पकड़वा सके पर इसके पीछे बहुत ही बड़े बड़े लोगों का हाथ है। इनके पास पैसे है तो ये कुछ भी कर सकते है। अभी भी ये ऑपरेशन जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं उनको जो भी करना होता है वो कर डालते हैं और उनका कोई कर भी नहीं सकता।
इस मूवी में हमें रियल वर्ल्ड की डार्क रियलिटी दिखाई गई है।